जय श्री महाकाल। आदेश। बहुत सारे लोग साधना करते हैं और उनका कहना ये होता है कि उन्हें साधनाओं में अनुभूति नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो जिस माहौल में साधना करते हैं वो माहौल सही नहीं होता है उनके साधना के हिसाब से, यानी कि उस हिसाब से जिस हिसाब में अनुभूतियां व्यक्ति को होती हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति को अनुभूतियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में होते हैं जो माहौल शक्तियों के लिए सही नहीं होता है और वो उस जगह पे अनुभूति नहीं दे पाती हैं व्यक्ति को। अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये जगह एक मंदिर की है और ये मंदिर जंगल में बना हुआ है और चारों तरफ बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल डार्क हो रखा है चारों तरफ और लाइट भी बहुत कम ही आती है यहाँ पे। तो ये एक हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पीछे शिवलिंग स्थापित है। और ये जो जगह है, तो ऐसी जो जगह होती हैं, यदि व्यक्ति ऐसी जगहों का चुनाव करता है साधना के लिए, यदि व्यक्ति ऐसी जगह पर आता है साधना करने के लिए, तो उसके बाद व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो अलग तरीके की होती हैं। और साधना के लिए यदि व्यक्ति संभव हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ऐसे स्थान का चुनाव कर सके कि जहाँ पे एकांत में वो साधना करे, तो उसको ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो जंगल में हो, जंगल में बने हुए मंदिर में हो और व्यक्ति बहुत कम वहाँ पे जाते हों। उसके बाद व्यक्ति को वहाँ बहुत अलग से अनुभव होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका कारण ये होता है क्योंकि एक तो जो लाइट होती है उसकी वजह से व्यक्ति चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन जब जंगल में व्यक्ति साधना करता है या रात्रि के समय व्यक्ति खुले में बैठा होता है या मंदिर में बैठा होता है जो कि जंगल में बना हुआ है, तो इसके बाद व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो बिल्कुल अलग हैं। साधना करते हुए यदि उसकी आँख उसने खोली साधना के दौरान और देखा, तो उसे लगेगा जैसे कोई शाया भागा हो दूसरे साइड। इस तरीके की कई चीज़ें महसूस होती हैं व्यक्ति को कि जैसे कोई पीछे खड़ा हो। तो उसके लिए व्यक्ति ऐसे जगह का चुनाव कर सकता है। यदि व्यक्ति ऐसी जगह का चुनाव करता है तो उसके बाद व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अलग हैं। तो अभी हम एक ऐसे ही जगह पे आए हुए हैं जो कि जंगल में ये मंदिर बना हुआ है और लोगों से बिल्कुल काफ़ी दूर है, हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे अनुभव होते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जहाँ पे कभी बताया जाता था कि यहाँ पे खजाना रखा गया था बंजारों का, या यहाँ पे कुछ ऐसे निशान थे और बताया जाता था कि जो बंजारे जाति के होते थे उस समय और वो जो लूटपाट करते थे और जो सोना इकट्ठा करते थे तो वो ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। तो बताया जाता है कि इस जगह के कुछ दूरी पर ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ पे कहा जाता है या मान्यताएं हैं कि वहाँ पे धन रखा गया था या किसी को कभी मिला, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ बहुत अलग लग रहा है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और रात्रि का समय है और काफ़ी दिक्कत हुई हमें यहाँ पर पहुँचने में। बिल्कुल रास्ता उबड़ खाबड़ था और यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, शायद किसी के यहाँ शादी वगैरह हो रही है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं और आपके पास वक्त है तो आप बेशक ऐसी जगह का ही चुनाव करिए जो कि जंगल में हो या एकांत जगह पे हो, और यदि कोई वहाँ पे संत या बाबा रहते हैं तो आप उनसे बात करें और वहाँ पे रुकें और रुकने के बाद वहाँ पे आप साधना करें। इसके बाद आपको जो अनुभव होंगे वो बहुत अद्भुत होंगे और उसके बाद आपकी निश्चय ही साधना में आप बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जो बहुत ही अद्भुत होगा। जय श्री महाकाल। आदेश।